ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाप दादा हम बच्चों को समझाते हैं कि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान संस्कार प्राप्त करती है। अपनी कमी बाबा को दिल से सुना देनी है। देखिए, वैसे बाबा कहते हैं कि लौकिक में डरते हैं बच्चे बाप को सुनाने के लिए कि कहीं बाबा बाप को गुस्सा आ जाएगा और डांट पड़ जाएगी तो, या फिर गुरु गोसाई को भी सुनाने को डरते हैं क्योंकि समझते हैं कि गुरु भी बहुत क्रोधित हो जाएंगे और श्राप या बद्दुआ दे दो। परंतु बाप कहते हैं, बाप कभी भी हम बच्चों पे गुस्सा नहीं होते हैं, वे तो आए ही है ना हम बच्चों को बहुत मीठे से मीठा बनाने के लिए। बाप को कहते ही है ज्ञान का सागर, इसलिए कहा जाता है ना, सारा सागर स्याही बना दो, जंगल को कलम बना दो और पृथ्वी को कागज बना दो, तो भी ये ज्ञान बाप का पूरा समा न सकेगा। तो अभी हमको पुरुषार्थ में इतना लग जाना है ना कि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो, वैसे भी जिसको फुरना होता है ना कि मुझे टॉप रैंक लाना है, टॉप परसेंटेज आनी चाहिए, तो वो दिन रात पढ़ाई में लग जाता है। तो बाबा कहते हैं हमें भी पुरुषार्थ में इतना जिगरी जुट जाना चाहिए, इतना प्यार से पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए ना कि टाइम हमारे पास बचे ही नहीं वेस्ट करने के लिए। अभी हमारी माया के साथ बॉक्सिंग है। देखो, जो मैच खेलता है ना, बॉक्सिंग खेलता है, उसका सेकंड बाय सेकंड सामने वाले अपोनेंट पे ध्यान होता है कि कहीं वो थोड़ा सा भी लूज पड़ जाएगा तो सामने वाला उसको हिट कर देगा। तो बाबा भी कहते हैं कि माया जो है ना, वो देह अभिमान बार बार ले आती है। जितना हमारा बाप के साथ डायरेक्ट योग होगा तो ये हम बॉक्सिंग की मैच जीत जाएंगे। तो आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को रूहानी ड्रिल भी सिखाई है, नॉलेज भी सुनाई है और बच्चों को सावधान भी किया है कि गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। क्योंकि अगर मुख से उल्टा सुल्टा निकल जाएगा तो खुद भी अशांत हो जाएंगे मन से और दूसरों को भी अशांत कर देंगे। तो आज बाबा हम प्यारे बच्चों को बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैविक गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। बाबा विशेष कहते हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड वैल्यूएबल है, इसके लिए इसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे हमें बहुत ऊंची लॉटरी मिलती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मनुष्य से हीरे जैसा देवता बनते हैं। ये स्मृति भी हमारे बार बार रहेगी ना, तो हम देखेंगे हमारा टाइम बिल्कुल जल्दी जल्दी सफल होता रहेगा। आज बाबा विशेष धारण करने के लिए कहते हैं कि विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी बात बाबा कहते हैं, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज प्राण प्यारे बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं, तो हम सहर्ष इस वरदान को स्वीकार करें, मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करने वाले नंबर वन विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर वन बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर वन विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो आज सारा दिन ये स्मृति रहे कि हमारी मन और बुद्धि को हम अनुभव की सीट पर ऐसा सेट कर दे कि हम नंबर वन विशेष आत्मा बन जाए। आज बाबा कहते हैं, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। देखो, वैसे भी क्यों हम नाराज हो जाते हैं, अफसोस क्यों होता है, सोचते हैं कि ये बुरा हुआ या हमारे अंदर ये बुरा है या सामने वाले के अंदर ये बुरा है। बाबा आज कहते हैं ये बुराई की रेस को छोड़ देना है और अच्छाई की रेस करनी है कि सामने वालों में क्या अच्छा है और मेरे में क्या अच्छा है, सब में अच्छा अच्छा ही देखे।
आज मम्मा भी विशेष हमारे लिए महावाक्य कह रही है कि गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास, है ना। मम्मा भी विशेष कह रही है आज के यहाँ यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाए, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया है जो उस मायावी धन पदार्थ अथवा सर्वंश संन्यास किया है। तो जरूर उन्होंने कुछ जास्ती सुख शांति प्राप्ति की होगी ना। बाबा कहते हैं जैसे राजा गोपीचंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा राजाई का संन्यास कर लिया, तो मम्मा है अनेकानेक कन्याएं हैं माताएं हैं इन्होंने भी यहाँ पे कुछ ऐसा प्राप्त किया है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति प्राप्त की है और ये अतीन्द्रिय सुख में इतना समा गए हैं, परमानंद में इतना खो गए हैं ना, इसलिए उनको ये लौकिक दुनिया आपे ही भूल जाती है। तो प्रभु तो दाता है ना, एक देवे सौ पावे। हम बाबा को अभी एक देते हैं पर बाबा इसका कितना हमें मल्टीप्लाई करके देता है। हम कितने भाग्यशाली है, लोग जिसको ढूंढ रहे हैं भटक रहे हैं जप तप कर्मकांड कर रहे हैं वो हमें इतनी सहजता से मिल गया है, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे ना उतना अंत में प्रभाव निकलेगा, इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा अभी विशेष हम योग अभ्यास करते हैं। सेट हो जाए भ्रकुटे सिंहासन पर, चेक करें हमारे मन और बुद्धि की दिशा को, स्थिर कर दे मस्तक के बीच में। मैं अनुभवी मूरत नंबर वन विशेष आत्मा हूं। पहुंच जाए परम धाम में शिव बाबा के पास। समर्पित कर दे अपने सारे विचारों को शिव बाबा के सामने। हमारी स्लेट पूरी खाली हो चुकी है और बाबा जो इसमें भरना चाहे, जैसे भरना चाहे, जो लिखना चाहे, बिल्कुल सहर्ष लिखवा लें। बाप दादा ने मुझे वरदान दिया है कि मैं अनुभवी आत्मा नंबर वन विशेष हूँ। ये वरदान को बाप दादा से स्वीकार करके मैं परमधाम से नीचे पुनः अपने स्थूल तन में आ जाती हूँ। ओम शांति।